السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران إسلام तहारत के बाब में वाक़ होने वाली ग़लतियों की हमने निशानदेही की थी अब हम सलात यानी नमाज़ के बाब में मुसलमानों से क्या गलतियां वाक़ होती हैं उनकी तरफ़ इशारा करेंगे सबसे बड़ी ग़लती एक मुसलमान से जो वाक़ होती है वो सलात में तसाहुल और ताउन बरतना सुस्ती और काहिली का शिकार हो जाना और बाद मुसलमान तो ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तौर पर नमाज़ की अदायगी का अहतमाम नहीं करते हम मुसलमान इस बात को अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि नमाज इस्लाम का एक रुकन है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुखल अहादीत हैं अदुल्ल ब ना व बई ना काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है जो आदमी नमाज तर्क कर दे वो काफिर है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये भी फरमाते हैं कि जो आदमी नमाजों की हिफाजत करेगा ये नमाज उसके लिए कल कल़ियामत के दिन रोशनी बनेगी हुज्जत बनेगी और जो आदमी नमाजों की हिफाजत ना करे कल कल़ियामत के दिन उसके लिए कोई नूर नहीं होगा कोई दलील नहीं होगी कोई बुरहान नहीं होगा कोई हुज्जत नहीं होगी मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका हशर कल कियामत के दिन हामान के साथ क्र के साथ, साथ किए जाएगा कितनी शदीद वईद वع, है उस शख्स के लिए जो आदमी अपनी नमाजों की हिफाजत ना करे सहाबा किसी चीज को तर्क करने को कुफर नहीं समझते थे सिवाय नमाज के नमाज के अलावा किसी भी चीज के तर्क करने को सहाबा कुफर नहीं समझते और ये नमाज आंखों की ठंडक है यह नमाज दिल का सुकून है ये नमाज बुराइयों के रोकने का दरिया है जब भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम परेशानी में होते गमी में लाहक हो जाते तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु वसल्लम नमाज अदा किया करते थे परेशानी दूर करने के लिए मुसीबतों से निकलने के लिए अपने गम को हल्का करने के लिए नमाज सबसे बड़ा जरिया है जिससे बंदा अपने रब से ताल्लुक पैदा कर सकता है अपने रब से सरगोशी कर सकता है और इसी बाब में बाद मुसलमान काहिली और सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और उसकी अदायगी की तरफ उनकी तवज्जा नहीं होती ये मुनाफीन की अलामत है कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते तो सुस्ती और काहिली के साथ खड़े होते आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह ने फरमाया कि जिसकी नमाज असर फौत हो जाए गोया के उसका माल और उसकी औलाद उसके अहल सारी चीजें तबाह हो गई सारी चीजें बर्बाद हो गई लिहाजा मुसलमान इस्लाम का जो रुकन है मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली जो चीज है उसकी तरफ तोजो दें उसका अहतमाम करें उसको वक्त पर अदा करने की कोशिश करें ने तारीख़ सलाद को और जो आदमी हमेशा नमाज तर्क करने को अपना मामूल बनाता है उसको काफिर शुमार किया है उसको काफिर शुमार किया और उस आदमी के ताल्लुक से फरमाया कि उसकी नमाज जनाजा न पढ़ी जाए उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन ना किया जाए उसके और उसकी मुसलमान बीवी के दरमियान तफरी कर दी जाए इतने सख्त वईद इतने सख्त अहकाम हैं उस शख्स के लिए जो आदमी नमाज का अहतमाम न करे लिहाजा मुसलमान अपने आप को अल्लाह से अगर वो जुड़ना चाहता है अल्लाह से करीब होना चाहता है काफिरों के जुमरों से निकल कर मुसलमान बनना चाहता है तो इस फरीजे को अदा करने की उसको कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को इस फरीजे से जोड़ लेना चाहिए तभी जाकर वो सही तौर पर मुसलमान शुमार किया जाएगा मैं ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने की तोफ़ीकदा फरमाए और जो चीज़ें इंसान को कुफ्र तक पहुँचाती हैं उनसे बचने उनसे दूर रहने की अल्लाह ता ताला तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ